नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे आधी रात गृह मंत्री के साथ क्यों फेल हो गई किसानों की वार्ता, और किसानों के सामने आज क्या प्रस्ताव रखने वाली है सरकार, और बीजेपी के खिलाफ आज बंगाल चुनाव में ममता खेलने वाली है कौन सा दांव। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आपकी सबसे बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां के टिकैन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आतंकियों की फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ है। पुलवामा के टिकैन इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों का दल मौके पर पहुंचा और इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद ये मुठभेड़ की शुरुआत हुई। सबसे पहली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की आज सरकार से होने वाली बातचीत टल गई है, और किसानों से वार्ता का एक दौर आधी रात तक भी चला और इसके बागडोर खुद अमित शाह ने संभाल रखी थी। सरकार और किसानों के बीच आज छठे राउंड की बातचीत होनी थी, लेकिन इस मीटिंग से पहले कल रात गृह मंत्री की किसान नेताओं से मीटिंग हुई और आज होने वाली बैठक टल गई। गृह मंत्री अमित शाह के मोर्चा संभालने के बावजूद किसानों से हुई मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। कल अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। किसान नेताओं में 8 पंजाब से थे, जबकि 5 देश के अन्य किसान संगठनों से जुड़े थे। बैठक में सरकार ने भरोसा दिया है कि वो आज 11 बजे कृषि कानून पर लिखित प्रस्ताव देगी। सरकार के प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी और इस बैठक में ये तय होगा कि आंदोलन चलता रहेगा या किसानों की घर वापसी होगी। अमित शाह ने क्या कुछ नया ऑफर किया आप लोगों को? कुछ नया ऑफर नहीं किया, वही बात है कि आप जो हम जो कुछ अमेंडमेंट प्रस्ताव किया है आप इसको स्वीकार करो, उसके बाद फिर बैठक करो तो और कुछ अमेंडमेंट बोलो तो हम देखेंगे। हम बोला अमेंडमेंट करके कानून का चरित्र नहीं बदलेगा, इसको रिपील करना है। वो बहुत जो हुआ उसको रिपील करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज की बैठक में खुद अमित शाह मौजूद थे, तो इस बैठक से बड़ी उम्मीदें थी कोई बीच का रास्ता निकले। नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। किसानों के साथ सरकार की ये मीटिंग दिल्ली के पूसा रोड स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बिल्डिंग में हुई। बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल थे, जबकि किसानों की तरफ से राकेश टिकैत और हनान मुल्ला समेत 13 प्रतिनिधि शामिल हुए। 2 किसान नेता हनान मुल्ला और रुद्रू सिंह बैठक के बाद रात 11 बजे निकल गए, जबकि बाकी 11 नेता रात के करीब 1:30 बजे बाहर निकले। बातचीत को लेकर बयान सिर्फ हनान मुल्ला ने दिया। अब सवाल ये है कि जो बातें हनान मुल्ला कह रहे हैं क्या वो सारे किसानों का मत है? कल की बातचीत को लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन था कि मीटिंग में बुलाए गए किसान नेता राकेश टिकैत गृह मंत्री के आवास पर पहुंच गए, जबकि बैठक की जगह कहीं और तय थी। 8 बजे से मीटिंग होनी है, आगे का क्या प्लान रहेगा? क्यों अभी बात करेंगे? अभी देख रेखा है, ढूंढूंगा। अभी आज की तय बैठक से पहले गृह मंत्री के साथ अचानक हुई मीटिंग को लेकर किसान संगठनों के बीच भी असंतोष नजर आया। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने तय वार्ता से एक दिन पहले अमित शाह के साथ किसानों की बैठक को लेकर सवाल उठाया। आधिकारिक वार्ता से पहले वार्ता की कोई जरूरत नहीं थी, बैठक में शामिल नेता सबसे बड़े संगठन के विचार को जरूर ध्यान में रखेंगे। थोड़े से संगठन के लोगों के साथ इस अनौपचारिक बैठक से लोगों के दिमाग में संदेह पैदा होगा, इसे टाला जाना चाहिए था। कृषि कानूनों के विरोध में जो संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भारतीय किसान यूनियन उग्राहा सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में इसे नहीं बुलाया गया था। आधी रात की बातचीत फेल होने के बाद आज सरकार किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखेगी। सरकार के नए प्रस्ताव में कृषि कानून में कई बदलाव की रूपरेखा भी है। किसान आंदोलन पर सरकार आज सुबह 11 बजे किसानों को एक लिखित प्रस्ताव देगी। दोपहर 12 बजे इस पर किसान चर्चा करेंगे। सरकार जो प्रस्ताव देगी उसमें किसानों की कुछ मांगों का जिक्र हो सकता है। एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता सबसे ज्यादा है, ऐसे में सरकार इस पर भरोसा दे रही है कि नए कानून से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार एमएसपी को मजबूत करते हुए कुछ और फसलों को इसमें जोड़ सकती है। एपीएमसी सिस्टम को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। मौजूदा तरीके से जैसे मंडी सिस्टम चल रहा है वो जारी रहेगा और बाहरी मंडी का सिर्फ ऑप्शन होगा।
प्राइवेट मंडी को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। अभी सिर्फ एसडीएम और ट्रिब्यूनल तक ही इजाजत है, लेकिन किसानों ने इस मसले को सिविल कोर्ट तक ले जाने की मांग रखी है, जिसका जिक्र आज के प्रस्ताव में हो सकता है। अगर व्यापारी प्राइवेट मंडी में आता है तो रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए, सिर्फ पैन कार्ड से काम नहीं चलना चाहिए। किसानों की इस मांग को भी सरकार अपने प्रस्ताव में जोड़ सकती है। कोई बोला लिख के देंगे, जब लिख के क्या देंगे, जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो हम पहली रिजेक्ट कर दिया तो कल लिख के देंगे 12 बजे क्या अमेंडमेंट चाहता है, उसका बात है। मगर हम कल 12 बजे सिंगू वार्डर में बैठेंगे और वो लिख के दे कि हम रिपील करेंगे तब अगले बैठक के तय करेंगे, और नहीं लिख के देंगे रिपील के बारे में तो अगले बैठक चलने का संभावना कम है, आंदोलन जारी रहे। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद आए किसान नेता के बयान से एक बात साफ है, किसान अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन पूरा कानून वापस नहीं लेगी। किसानों के समर्थन में आज विपक्ष का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है और विपक्षी दलों की ये मुलाकात राष्ट्रपति से आज शाम को होने वाली है। आज दिन में किसानों और सरकार के बीच छठे राउंड की होने वाली बातचीत तो टल गई, लेकिन शाम में विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और किसानों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात शाम 5 बजे होनी है। 11 पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन इजाजत 5 नेताओं को ही मिल पाई है। राष्ट्रपति ने कोरोना का देखते हुए 5 नेताओं को ही बुलाया है। इस डेलीगेशन में राहुल गांधी, शरद पवार, डीएमके के एक नेता, सीताराम येचुरी और डी राजा शामिल होने वाले हैं। जो होनी चाहिए परंपरा हमारे संवैधानिक व्यवस्था में, उस सब को दरकिनार करके एक तरफा एक तानाशाही रुझान के चलते हुए ये कानून को ले आई आपकी आज की ये भाजपा की सरकार, तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि सरकार को जो बात सुननी चाहिए। किसान आंदोलन में वामपंथी दलों पर कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि किसानों के मांग पत्र में ये बात वामपंथियों ने ही डलवाई है कि सरकार उन लोगों को रिहा करे जो देशद्रोह के इल्जाम में जेल में हैं। आंदोलन पर अड़े 32 किसान संगठनों ने अपनी मांगों के समर्थन में कल भारत बंद की कॉल दी थी, जिसका मिला जुला असर दिखा और इस बंद से 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। 32 किसान गुटों के साथ 24 पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता भी सड़क पर थे। जगह जगह ट्रेन रोकी गई, चक्का जाम हुआ, लेकिन ज्यादातर राज्यों में बाजार खुले रहे, आम जनजीवन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन पंजाब हरियाणा में बंद का असर दिखा। सड़कों से लेकर मंडी और बाजार बंद रहे। किसानों का भारत बंद दिल्ली बॉर्डर पर असरदार रहा, लेकिन चांदनी चौक और सदर बाजार समेत ज्यादातर बाजार खुले। गाड़ियों की आवाजाही पर भी बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। किसानों की जाम की वजह से सिंधु, औचंदी, पीयू मनियारी और मंगेश बॉर्डर ठप रहे। यहां से गुजरने वाले कई लोगों को पैदल ही रास्ता पार करना पड़ा। भारत बंद को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का समर्थन था, लेकिन मुंबई में इसका कोई खास असर नजर नहीं आया। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग दुकानें बंद करवा कर आगे बढ़ते तो पीछे लोग दुकानें खोल लेते। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी भारत बंद बेअसर रहा। लखनऊ के मशहूर इलाके अमीनाबाद में बाजार खुला दिखा। हजरतगंज में ट्रैफिक नॉनस्टॉप चलता नजर आया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी यही नजारा था, तो कैसरबाग बस स्टेशन पर थोड़ा सा असर नजर आया। वहीं गोसाईगंज से मोहनलाल रोड पर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने धरना दिया, हालांकि यहां पर भी रोज की तरह हाल दिखाई दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला किसानों के समर्थन में बंद की कॉल को सपोर्ट करने कैथल पहुंचे थे, लेकिन यहां उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें वहां से चुपचाप वापस लौटना पड़ा। भारत बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दोहरा चरित्र सामने नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहीं हाथ जोड़े तो कहीं मारपीट कर दुकानें बंद कराई। बंद समर्थकों की गुंडागर्दी की ये तस्वीर जयपुर के आदर्श बाजार की है। भारत बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन दुकान बंद कराने गए थे। दुकानदारों ने जब दुकान बंद करने से इनकार कर दिया तो मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडों से हमला हुआ और भीड़ भरे बाजार में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। जान बचाकर लोग इधर उधर भागने लगे। जयपुर में बंद समर्थकों ने हल्ला बोला तो मध्य प्रदेश के सागर में बंद कराने गए कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानदारों के पैर पकड़ते नजर आए। बंद समर्थकों ने पहले हाथ जोड़े, फिर पैर पकड़ लिए और दुकानदारों से दुकानें बंद कर लेने की अपील की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गांधीगिरी की यह तस्वीर सागर जिले के गुजराती बाजार की है। बंगाल में चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी आज से ही चुनाव कार्यालय खोल रही है। चुनावी अभियान में लगी ममता बनर्जी भी आज एक अहम रैली करने जा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के 9 जिला ऑफिस का भी उद्घाटन होगा। आज ही ममता बनर्जी 24 नॉर्थ परगना जिले में एक बड़ी रैली करने वाली हैं। बंगाल के चुनावी मिशन पर निकली ममता ने आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर सफाई दी है। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद आज जेपी नड्डा आर नोई अन्याय यानी और नहीं अन्याय जनसंपर्क अभियान में भी शामिल होंगे। उधर ममता का चुनावी मिशन भी जोर शोर से चल रहा है। कल उनकी आसनसोल के रानीगंज में जनसभा थी, जहां उन्होंने 3 दिन पहले हुई बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर सफाई दी और कहा कि मौत की वजह शॉटगन है, जबकि पुलिस तो शॉटगन का इस्तेमाल ही नहीं करती है। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उसमें कहा गया है कि ये शॉटगन है, मतलब छर्रे जैसी कोई चीज चली है। पुलिस में ये सब नहीं चलता है, पुलिस तो ये सब इस्तेमाल ही नहीं करती है। मेरे पे तू भी बोलछो कि पुलिस मेरे से, ये पुलिस मेरे से। आज इस नॉर्थ 24 परगना जिले में ममता बनर्जी की रैली है। वो बांग्लादेश से आए मथुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस समाज का वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा था। ममता के सामने बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने की चुनौती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव का एक हैरान करने वाला बयान सामने आया है। बिप्लब देव ने कहा है कि वो राज्य की जनता से पूछेंगे कि उन्हें सीएम रहना चाहिए या नहीं। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो गए हैं। रविवार को बीजेपी के नव नियुक्त राष्ट्रीय सचिव और त्रिपुरा के केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद कुमार सोनकर अगरतला पहुंचे थे तो लोगों ने बिप्लब हटाओ बीजेपी बचाओ के नारे लगाए थे। इसी के बाद सीएम बिप्लब देव ने कहा है कि वो अब सीधे जनता के पास जाएंगे और पूछेंगे कि उन्हें सीएम पद पर रहना चाहिए या नहीं। मैं 13 दिसंबर को विवेकानंद मैदान जाऊंगा और त्रिपुरा के लोगों से पूछूंगा कि क्या मुझे सीएम के रूप में बने रहना चाहिए या नहीं। अगर लोग मेरा समर्थन नहीं करते हैं तो मैं पार्टी हाईकमान को सूचित कर दूंगा। बिप्लब देव के इस बयान के बाद पर्यवेक्षक विनोद कुमार सोनकर ने दावा किया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में सब कुछ ठीक है। इस तरह के किसी कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी त्रिपुरा की जनता की सेवा करें, अगर कोई विषय है तो संगठन उसको स्वयं संज्ञान लेके उसको देखेगा। पिछले कुछ समय से त्रिपुरा बीजेपी में सीएम बिप्लब देव के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। अक्टूबर में राज्य बीजेपी के कुछ नेता और विधायक उन्हें हटाने की मांग को लेकर भी दिल्ली पहुंचे थे। आरोप है कि बिप्लब देव के बयानों से पार्टी राज्य में कमजोर हो रही है। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस और बीजेपी के गुटों में खूनी संघर्ष हुआ और पंचायत चुनाव के बाद हुई इस हिंसा में एक की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। युद्ध का मैदान बने बलोद गांव में जमकर पत्थरबाजी हुई। विरोधियों पर चुन चुनकर पत्थर से निशाना साधा गया। लोगों का गुस्सा इस गाड़ी पर भी फूटा, उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया। उग्र भीड़ के सिर पर जुनून सवार था, कुछ देर बाद इस गाड़ी को पलट दिया गया। दरअसल पंचायत चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। जब जीते हुए बीजेपी नेता का विजय जुलूस फतेहपुर पंचायत समिति के बलोद गांव पहुंचा तो किसी बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस के समर्थकों के बीच कहासुनी हो गई, जो कुछ देर में ही खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इस झड़प में एक युवक की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज फतेहपुर के अस्पताल में चल रहा है। भारत में वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज जल्द आने वाली है। वैक्सीन सबसे पहले किसे लगेगी ये भी करीब करीब तय हो चुका है। ब्रिटेन में वैक्सीन का इमरजेंसी यूज कल शुरू हो गया। अब भारत सरकार ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। वैक्सीनेशन की प्राथमिकता तय की जा रही है और राज्य सरकारों की मदद से बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन प्रोग्राम चला जाएगा। वैक्सीन के स्टोरेज के लिए करीब 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। वैक्सीन देने का काम ANM करेगी। इस वक्त देश में करीब 2,40,000 ANM हैं। सरकार इनमें से 1,54,000 ANM को कोरोना वैक्सीन के काम में लगाएगी।
ताकि टेटनेस, बीसीजी और पोलियो वैक्सीनेशन जैसी मुहिमों पर असर न पड़े। किसे सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी वो भी करीब करीब तय हो चुका है। प्रायोरिटी में हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए, इसमें सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो वर्कर्स हैं वो सम्मिलित हैं, और लगभग देश में हमारा मानना है कि इनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग होगी। दूसरा, नेगवैक ने ये कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, होमगार्ड हैं, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं। ये जो वैक्सीन है ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं, अधिकांश 2 डोज वाले हैं, 1 वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे, और ये प्रति डोज के बीच की जो दूरी है वो 3 से 4 हफ्ते की है। वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को सरकार जल्द मंजूरी देने वाली है। और किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है, इस आंदोलन पर अपडेट देंगे एक ब्रेक के बाद।